एबीपी गंगा खबर आपकी जुबान आपकी। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। गिरधारी की गिरफ्तारी कब? ये सवाल इसलिए क्योंकि लखनऊ में हुई वारदात में इस शख्स का नाम निकलकर सामने आ रहा है। दरअसल लखनऊ के विभूति खंड थाना इलाके में बुधवार को ताबड़तोड़ गोलियां चली और अजीत सिंह नाम के शख्स को मौत के घाट उतार दिया गया। अजीत सिंह मऊ के मोहम्मदाबाद गोहना के पूर्व ब्लॉक प्रमुख था। इस वारदात में अजीत सिंह के साथ मौजूद मोहर सिंह और रास्ते से गुजर रहे एक डिलीवरी बॉय को भी गोली लगी है। इस वारदात को बेखौफ होकर अंजाम दिया गया। इस वारदात के दौरान 35 राउंड फायरिंग की गई। अजीत सिंह को 8 से 10 गोलियां लगी जिससे अजीत सिंह ने मौके पर ही दम तोड़ दिया। दरअसल अजीत सिंह बाहुबली मुख्तार अंसारी का बेहद करीबी बताया जाता है, तो वहीं बसपा के विधायक सर्वेश सिंह हत्याकांड का गवाह भी था। और आइए आपको सबसे पहले बताते हैं कि राजधानी लखनऊ की सड़क पर क्या हुआ। दरअसल रात करीब 8 बजे थाना विभूतिखंड इलाके के कठौता चौराहे पर ताबड़तोड़ गोलियां चलने लगी। इस दौरान तीन बदमाशों ने वहां मौजूद अजीत सिंह और मोहर सिंह को गोलियां लगी। अजीत सिंह को करीब 8 गोलियां लगी तो वहीं मोहर सिंह के पैर में 3 गोलियां लगी। इसके साथ ही रास्ते से गुजर रहे फूड डिलीवरी बॉय को भी गोली लगी जिससे इलाके में हड़कंप मच गया। मोहर सिंह और फूड डिलीवरी बॉय का अस्पताल में इलाज जारी है, तो वहीं अजीत सिंह लहूलुहान होकर सड़क पर ही गिर पड़ा। वारदात को अंजाम देकर बदमाश मौके से फरार हो गए। अजीत सिंह ने मौके पर ही दम तोड़ दिया। दरअसल अजीत सिंह गोमती नगर विस्तार में बने राप्ती अपार्टमेंट में रहता था और मऊ के भदीड़ गांव का रहने वाला था। रात करीब 8 बजे अजीत सिंह अपने साथी मोहन सिंह के साथ किसी काम से कटौथा चौराहे के पास उदय टावर पर आया था। जैसे ही अजीत सिंह और मोहन सिंह अपनी एसयूवी से उतरे तभी उन पर ताबड़तोड़ फायरिंग शुरू कर दी जिसमें अजीत सिंह की मौत हो गई। वहीं बताया जा रहा है कि मोहर सिंह अजीत सिंह का शूटर है और अजीत सिंह मऊ में बकायदा गैंग चलाता है। वारदात के बाद लखनऊ के कमिश्नर डीके ठाकुर मौके पर पहुंचे। क्या कुछ कहा उन्होंने ये सुन। ये दोनों अपराधी हैं, जो मृतक है अजीत सिंह, इसके खिलाफ 19 मुकदमे थे जो 5 करीब हत्या के हैं। और ये आपको ज्ञात ही होगा, रात में मैंने बताया था, ये पिछले माह ही दिसंबर में ही जिला बदर किया गया था मऊ जिला मजिस्ट्रेट द्वारा। जो साथी मोहर, ये हिस्ट्री शीटर भी थे, जो साथी मोहर सिंह हैं जो इस मामले के वादी हैं, गवाह भी हैं, वो भी हिस्ट्री शीटर हैं, उनके खिलाफ बहुत सारे मुकदमे हैं। जो जिनका नाम आ रहा है शूटर के रूप में, मारने के रूप में, वो भी इनके कभी साथी हुआ करते थे। तो ये लोग अपराध के, जरायम के दुनिया के लोग हैं जो कभी साथी रहे, कभी अलग हो गए, कभी दुश्मन बन गए, इस तरह का मामला। राजधानी लखनऊ में हुई इस वारदात ने लोगों के होश उड़ाकर रख दिए, तो वहीं पुलिस की कार्यशैली पर सवालिया निशान लगा दिया क्योंकि लखनऊ के कठौता चौराहे पर जहां ये वारदात हुई वो राजधानी का सबसे व्यस्त चौराहा है। यहां से कई जिलों के लिए अलग अलग हाईवे गुजरते हैं। सबसे ज्यादा पुलिस की तैनाती भी इसी चौराहे पर रहती है, लेकिन बावजूद इसके बदमाश फरार होने में कामयाब रहे। इस वारदात के बाद पूरे दलबल के साथ कमिश्नर डीके ठाकुर मौके पर पहुंचे। पुलिस आसपास के सीसीटीवी कैमरों की फुटेज निकलवा रही है। अजीत के साथी से पूछताछ के साथ मऊ और आजमगढ़ पुलिस से संपर्क किया गया है। बुधवार को लखनऊ में सरेशाम मारे गए पूर्व ब्लॉक प्रमुख अजीत सिंह को मुख्तार अंसारी का बेहद करीबी माना जाता है। इतना ही नहीं, पुलिस की रजिस्टर में अजीत के खिलाफ मऊ और आजमगढ़ में 5 हत्या सहित 17 केस दर्ज हैं, जिसके आधार पर मऊ जिला प्रशासन ने दिसंबर में अजीत सिंह को जिला बदर कर दिया था। इसके बाद से ही वो लखनऊ के गोमती नगर विस्तार इलाके के राप्ती अपार्टमेंट में रहता था। इस हत्याकांड का आरोपी ध्रुव उर्फ कुंटू सिंह पर आरोप लग रहे हैं, जो आजमगढ़ का एक माफिया है और आजमगढ़ जेल में बंद है। दरअसल कुंटू सिंह और अजीत सिंह कभी एक साथ माफियाओं के लिए काम करते थे, लेकिन दोनों के बीच रंजिश उस वक्त शुरू हुई जब गहना ब्लॉक के प्रमुख का चुनाव होना था। इस दौरान अजीत सिंह और कुंटू सिंह ने चुनावी मैदान में अपने अपने प्रत्याशी उतारे थे और यहीं से शुरू हो गई थी कुंटू सिंह और अजीत सिंह के बीच रंजिश, क्योंकि इलाके में दबदबे के दम पर अजीत सिंह केवल चुनावों में ही नहीं बल्कि शराब के ठेकों पर भी एक छत्र राज करने लगा। इसी दौरान जियनपुर विधानसभा क्षेत्र से विधायक सर्वेश सिंह की 19 जुलाई 2013 को बदमाशों ने घर में घुसकर दिन दहाड़े गोली मारकर हत्या की थी।
इस हत्याकांड में अजीत सिंह सीबीआई का चश्मदीद गवाह था और हत्या का आरोप कुंटू सिंह पर था। लखनऊ के कठौता चौराहे पर हुई वारदात के बाद इलाके में दहशत फैल गई। मौके पर पहुंची फॉरेंसिक टीम को वारदात के बाद मौके से अजीत सिंह की गाड़ी से दो लोडेड पिस्टल भी बरामद हुई हैं। दरअसल पूर्व ब्लॉक प्रमुख अजीत सिंह की हत्या की वारदात को अंजाम दिया गया। वो एक हार्ड क्रिमिनल भी था। अजीत सिंह का गैंग मऊ जिले में रजिस्टर्ड है। इनका मेन शूटर मोहर सिंह है। मुख्तार अंसारी गैंग के सहयोगी गैंग के रूप में गैंग रजिस्टर्ड है। पुलिस मामले में मोहर सिंह को भी संदेह के घेरे में रखे है। इस हत्याकांड में सबसे बड़ी बात यह थी कि अजीत सिंह आजमगढ़ के विधायक रहे सर्वेश सिंह और श्रीपू सिंह हत्याकांड का चश्मदीद था। माना जा रहा है कि इस हत्याकांड को कुंटू सिंह के शूटर गिरधारी ने अंजाम दिया है, जिसके बाद पुलिस ने गिरधारी समेत छह लोगों पर मामला दर्ज किया है, जिसमें अखंड प्रताप सिंह का नाम भी सामने आ रहा है। और आइए अब आपको बताते हैं श्रीपू सिंह हत्याकांड। दरअसल सिगड़ी से पूर्व विधायक थे सर्वेश सिंह। 19 जुलाई 2013 को जीवनपुर बाजार में सर्वेश सिंह उर्फ सीपू के घर के पास ही उनकी और भरत राय की हत्या कर दी गई थी। इसके बाद ग्रामीण आक्रोशित हो गए। गुस्साए लोगों ने तोड़फोड़ और आगजनी शुरू कर दी, जिसमें तीन और लोग मारे गए। मामला पूर्व विधायक की हत्या का था, इसलिए कुछ दिन बाद इसकी जाँच सीबीआई को सौंप दी गई। हत्या में पूर्वांचल के माफिया और इसी जिले के रहने वाले कुंटू सिंह का नाम सामने आया था, जो इस समय जेल में बंद है। श्रीपू सिंह हत्याकांड में कुंटू सिंह सहित उसके कई साथियों पर हत्या का मुकदमा चल रहा है। इस हत्याकांड में अजीत सिंह भी पूर्व विधायक श्रीपू सिंह की ओर से गवाह था। श्रीपू सिंह के भाई संतोष सिंह की गवाही पूरी हो चुकी है। चार दिन बाद श्रीपू सिंह हत्याकांड मामले में गवाही के लिए अजीत सिंह को न्यायालय में पेश होना था। संतोष सिंह ने जानकारी दी थी कि अजीत को कुछ दिन से धमकी मिल रही थी कि वो श्रीपू सिंह हत्याकांड में माफिया कुंटू सिंह के खिलाफ गवाही ना दे। अजीत का गवाही देने के लिए तैयार होना ही उसकी हत्या का कारण है। सर्वेश सिंह साल 2002 में सिगड़े सीट से सपा के विधायक चुने गए थे। पार्टी महासचिव अमर सिंह के सपा से रिश्ते खत्म होने पर सर्वेश सिंह ने बसपा का दामन थाम लिया और मायावती ने पिछले साल हुए विधानसभा चुनाव में उन्हें आजमगढ़ सदर सीट से चुनाव लड़ाया था, जिसमें वो सपा प्रत्याशी दुर्गा प्रसाद के हाथों पराजित हो गए थे। अब देखिए, अजीत सिंह की हत्या के बाद पूर्व विधायक सर्वेश सिंह का परिवार दहशत में आ गया है। एबीपी गंगा ने अजीत सिंह की पत्नी वंदना सिंह से बात की, जो खुद इस वक्त बसपा से विधायक है। अजीत सिंह हत्याकांड में बड़ा रहस्योद्घाटन एबीपी गंगा करने जा रहा है और हमारे साथ पूर्व विधायक और दिवंगत सर्वेश सिंह उर्फ सीपू सिंह की पत्नी, जो मौजूदा बसपा से विधायक हैं, वंदना सिंह। वो इस पूरे मामले पर, अजीत सिंह की हत्याकांड पर क्या है पूरा बैकग्राउंड, वो बताएंगी। क्योंकि अजीत सिंह इनके पति सर्वेश सिंह की का जो हत्या हुआ है उसमें मुख्य गवाह था और चार दिन बाद, आज से चार दिन बाद उसकी गवाही होनी थी। कौन है इसके पीछे? वंदना सिंह जी, सवाल ये है कि आपकी जब पति की हत्या हुई थी उसमें मुख्य गवाह अजीत सिंह है और अजीत सिंह की जो गवाही है वो चार दिन बाद शुरू होनी थी, ऐसे में अजीत सिंह का क्या रोल था, किसका किसकी भूमिका है इस पूरे मामले पर? देखिए, उसमें जो है अजीत सिंह हमारे पति के हत्या में मुख्य वो गवाह थे, चश्मदीद गवाह थे, और उनकी गवाही चार दिन बाद शुरू होने वाली थी। लेकिन कहीं ना कहीं हम यही कहेंगे कि कुंटू सिंह जो है इस समय जो हमारे पति की हत्या में जेल में बंद है, उसने इनकी हत्या करवाई है, क्योंकि इनके पास काफ़ी फोन आते थे और कहता था कि तुम रास्ते से हट जाओ नहीं तो तुम्हारी हत्या करवा दूंगा। किसके पास फोन आता था? अजीत सिंह के पास फोन आता था। किसका फोन आता था? कुंटू सिंह का फोन आता था, जो अपराधी इस समय जेल में बंद है मेरे पति की हत्याकांड में। और ये उनकी बात नहीं माने और ये डटे रहे, क्योंकि कहीं ना कहीं इनका दिल जमीर गवारा नहीं किया, ये सच्चाई पे अड़े रहे। और इसी के लिए इसने अपने रास्ते से हटाने के लिए कि ये गवाही ना कर पाए, अजीत सिंह की हत्या कल करवाई है। और उसके बाद मैं ये भी कहना चाहूंगी कि कहीं ना कहीं मेरे परिवार के लिए बहुत बड़ा संकट इस समय खड़ा हो गया है। मेरा पूरा परिवार भयभीत है, मैं भयभीत हूँ। मेरे जेठ की गवाही डे बाय डे चल रही है इस समय, और मैं सरकार से भी गुहार लगा रही हूँ। मुख्यमंत्री से मैंने कल समय लिया है मिलने के लिए, मुझे सुरक्षा मेरी बढ़ाई जाए
और वंदना सिंह जी, ये गिरधारी सिंह का नाम आ रहा है इस पूरे मामले में, जो सोर्सेस से खबर आ रही है, गिरधारी सिंह की भूमिका आपके पति हत्याकांड में भी वो नामजद है, तो इस पूरा मामले में गिरधारी क्या है, कुंटू क्या है, जो एबीपी गंगा के दर्शक हैं उन्हें समझाने की कोशिश कीजिए, गिरधारी कौन है? देखिए, गिरधारी का मेरे पति हत्याकांड में भी नाम है उसका, वो शूटर है और वो 1 लाख का इनामी इस समय बरवक्त है और उसका नाम इनकी हत्या में भी आ रहा है, तो कहीं ना कहीं इसमें कुंटू का हाथ है और उन्होंने, हम 100% कहते हैं कि कुंटू ने इनकी हत्या करवाई है। दरअसल लखनऊ में हुई बड़ी वारदात के बाद पुलिस फुल एक्शन में आ गई है। अजीत सिंह की हत्या के पीछे कुंटू सिंह का हाथ बताया जा रहा है, जो आजमगढ़ जेल में सीपू सिंह हत्याकांड में बंद है, और अजीत सिंह इसी सीपू सिंह हत्याकांड में गवाह था, जिसको लेकर लगातार अजीत सिंह को धमकी मिल रही थी। माना जा रहा है कि अजीत सिंह ने गवाही से अपने पैर पीछे नहीं खींचे, इसलिए प्रतिद्वंदी कुंटू सिंह ने लखनऊ में सरेशाम अपने खास शूटर गिरधारी के जरिए उसकी हत्या करा दी। लखनऊ में अजीत की हत्या की वारदात से एक बार फिर से आजमगढ़ में सीपू सिंह का परिवार खौफ में है। हत्याकांड को देखते हुए सीपू सिंह के भाई संतोष ने एसपी से सुरक्षा की गुहार लगाई है, जिसको लेकर आजमगढ़ प्रशासन भी खासा अलर्ट हो गया है। एबीपी गंगा ने जब ये खबर दिखाई तब आजमगढ़ प्रशासन ने अजीत सिंह हत्याकांड के आरोपी माने जा रहे कुंटू सिंह के खिलाफ कार्रवाई भी शुरू कर दी है, जिसके तहत आजमगढ़ में जियनपुर बाजार में मौजूद कुंटू सिंह के शॉपिंग कॉम्प्लेक्स को प्रशासन ने गैंगस्टर एक्ट के तहत ध्वस्त कर दिया। वारदात के बाद आजमगढ़ में कुंटू सिंह के खिलाफ कार्रवाई का दौर शुरू हो चुका है, क्या कुछ कहना है एसपी सुधीर सिंह का, सुनिए। देखिए, आज ये अवैध निर्माण के दृष्टिकोण की कार्रवाई नगर पालिका द्वारा यहाँ पर की जा रही है और शांति व्यवस्था को बनाए रखने के लिए और इस दृष्टिकोण की कार्रवाई के दौरान किसी को नुकसान हो इसके लिए पर्याप्त पुलिस बल लगाया गया है। हम और डीएम साहब दोनों यहाँ पर मौके पर मौजूद हैं, इसको दृष्टिगत रखते हुए शांति व्यवस्था को बनाए रखने के लिए बाकी सारे अधिकारी भी यहाँ पर मौजूद हैं। देखिए, इतना बड़ा हत्याकांड और इस हत्याकांड से कई सवाल खड़े हो रहे हैं, अभी तक क्या कुछ कार्रवाई पुलिस ने की है वो भी हमने आपको दिखा दिया। अब सीधा रुख कर लेते हैं हमारे सहयोगी शैलेश अरोड़ा का, जो इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। शैलेश, सबसे पहले आप दर्शकों को अपडेट दीजिए कि अभी तक पुलिस ने क्या कुछ कार्रवाई की है, जो आरोपी हैं कुंटू सिंह के अलावा, क्या उन तक पुलिस पहुंच पाई है अभी तक? प्राची, ये नाकामी कह सकते हैं क्योंकि 24 घंटे से ऊपर का वक्त बीत चुका है इस घटना को, इस गैंग वॉर को, और अभी तक किसी को भी पुलिस नहीं पकड़ पाई है। कुछ नाम है सामने जरूर, लेकिन अभी तक किसी को भी पकड़ा नहीं जा सका। अगर पुलिस की तफ्तीश की बात करें तो कल रात में जो सीसीटीवी कैमरे आसपास लगे थे उनके फुटेज निकलवाए गए। इसके अलावा पुलिस ने जो है 2 बाइक्स को बरामद किया। ये बाइक जो है घटना स्थल से कुछ ही दूरी पर अवध बस स्टेशन है वहां पर थी और उनकी जो चाबी थी, की थी, उस पर खून के निशान उन्हें मिले थे। तो ये 2 लावारिस बाइक बरामद की है, उसमें एक बाइक जो है वो लखनऊ के नंबर की और एक बाइक जो है उसकी नंबर प्लेट से बाराबंकी का बताया जा रहा है। लेकिन जो बाराबंकी के नंबर वाली गाड़ी है, बताया जा रहा है कि उसकी जो चेचिस है वो आजमगढ़ की, यानी संभव है कि उसकी नंबर प्लेट भी बदली। अभी इन पहलुओं पर भी आगे तफ्तीश जारी है। बहरहाल, अगर बात करें तो 5 टीमें हैं पुलिस की जो मऊ, आजमगढ़ सभी जगह पर तफ्तीश कर रही हैं, लेकिन 24 घंटे से ऊपर का वक्त बीतने के बाद पकड़ा किसी को नहीं जा सका है। इसके लेकर कहीं ना कहीं सवाल उठने लाजमी है कि आखिर एक पहली चूक कि जिस समय ये घटना हुई, जिस जगह ये घटना हुई, कैसे इतनी बड़ी घटना को, इस वारदात को अंजाम दे दिया जाता है इतनी व्यस्ततम जगह पर, वीवीआईपी एरिया में सरे शाम इस घटना को अंजाम दिया जाता है। यानी पहली चूक सुरक्षा की वहां पर, उसके बाद 24 घंटे से ऊपर का वक्त बीत जाने के बाद भी किसी को पकड़ा नहीं जा सका है। आज डीजीपी ने भी इसको लेकर, जो लखनऊ के कमिश्नर है जेसीपी क्राइम है, उन सबके साथ में बैठक की, वो एडीजी लॉ एंड ऑर्डर भी उसमें रहे और उसमें भी काफी नाराजगी जताई। देखिए, यहाँ पर पुलिस पैर तो जरूर मार रही है, लेकिन अभी तक जो कदम पुलिस की तरफ से उठाए गए हैं उससे वो नाकामी कतई नहीं छुप सकती है। जो नाकामी लखनऊ पुलिस के सामने आई है, कमिश्नरेट सिस्टम लागू है, उसके बावजूद सरेशाम एक वीआईपी चौराहे पर हत्याकांड हो जाता है और अभी तक पुलिस के हाथ खाली हैं। फेलियर है सीधा सीधा पुलिस का। बिल्कुल निश्चित रूप से फेलियर कह सकते हैं, क्योंकि इतनी लीड है
नाम सामने है कई लोगों के, लेकिन उसके बावजूद उन लोगों के गिरेबान तक हाथ नहीं पहुंच पा रहे। कई लोग जो है वो पकड़ से दूर है, ठीक है, लेकिन उनके और बहुत से कॉन्टैक्ट होंगे। आखिर वो शूटर कहाँ चले गए? तीन लोग थे जो दो बाइक से बता जा रहा आए थे, वो लोग कहाँ चले गए? तो तमाम लोग है, अभी तक ये भी सामने नहीं आया है कि अजीत सिंह की गाड़ी पर जो विधायक का पास लगा था वो किसके नाम से बना था। बहुत सारे सवाल हैं जिनके जवाब जो है अभी भी आना बाकी हैं। वो तीनों शूटर जमीन खा गई, आसमान निकल गया, आखिर कहाँ चले जाते हैं? वो जो शूटर थे, जब उनकी बाइक अगर ये उन्हीं की बाइक दोनों जो अवध बस स्टेशन के पास मिलती है, तो हमने देखे जब कल ये घटना हुई तब भी अपने दर्शकों को बताया था कि वहां से अगर कोई भागेगा तो उसके लिए रास्ता जो है वो है फैजाबाद अयोध्या की तरफ, या अपोजिट अगर वो आएगा तो शहर के अंदर आना होगा। जाहिर सी बात है शहर से बाहर निकलने के लिए उन्होंने उस रास्ते को ही अपनाया होगा। घटना होने के बाद वायरलेस सेट पर सूचना तरफ फैल गई होगी, लेकिन इसके बावजूद अभी तक असलहे वो नहीं मिले, इसके बावजूद जो है कहीं ना कहीं कमी है आप मान सकते हैं अलर्टनेस की, कि अगर पहले ही तत्काल इसको लेकर सक्रिय होती पुलिस तो जगह जगह बैरिकेटिंग करती, जांच करती उसी समय तत्काल, तो शायद उनको पकड़ाता। बहरहाल क्या हुआ ये वही बेहतर जान सकते हैं कहां पर चूक रही, लेकिन फिलहाल जो रिजल्ट है, जो आउटपुट है, वो यही है कि 24 घंटे बीतने के बाद भी अभी तक कोई भी अपराधी इसमें से, कोई भी हत्यारा इसमें से पुलिस के हत्थे नहीं चढ़ा है। पुलिस लगातार अपनी जांच को आगे लेकर चल रही है। वही दूसरी ओर जैसा हवाई चैनल पर जो पूर्व विधायक जो जिनकी हत्या हुई थी, उनकी पत्नी ने भी बोला कि अब उनको भी अपनी सुरक्षा को लेकर खतरा महसूस हो रहा है। तो निश्चित रूप से सुरक्षा की अगर बात करें तो पूरी राजधानी वासियों के लिए सवाल उठने लगा है सुरक्षा को लेकर। देखना होगा कि पुलिस जो है, डीजीपी ने भी फटकार लगाई है, साफ कहा आज डीजीपी ने बैठक में कि जो थाने के स्तर पर जो जितनी भी क्राइम की टीमें अलग से बनी है उनको और अलर्ट किया जाए, एक्टिव किया जाए। यानी मानते हैं कहीं ना कहीं कमियां रही हैं बड़े स्तर पर, देखना होगा कमियों को कब तक पुलिस सुधारती है, कब अपनी व्यवस्था को दुरुस्त करती है कि आगे कम से कम इस तरह की घटनाएं ना हो। बिल्कुल शैलेश, देखिए सवाल हम इसीलिए खड़े कर रहे हैं कि एक तरफ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सख्ती दिखाते हैं, समय समय पर एक्शन लेते हैं, लेकिन ना उन एक्शन का ना उन सख्ती का पुलिस अधिकारियों पर असर होता हुआ नजर आ रहा है। वरना राजधानी लखनऊ में इतनी बड़ी वारदात को अंजाम देकर 24 घंटे बाद भी जो अपराधी हैं वो आरोपी पकड़े ना जाएं, ऐसा संभव नहीं होता। शैलेश फिलहाल की अगर बात कर लूं तो क्या कुछ कहना है पुलिस अधिकारियों का, कब तक पकड़ पाएगी इन आरोपियों को, इन अपराधियों को पुलिस? देखिए पुलिस का एक बंधा हुआ जवाब जो हमेशा रहता है वही इस बार भी है कि टीमें बनी हुई हैं, वो जांच कर रही हैं, जगह जगह छापेमारी चल रही है, हम लोग जल्द से जल्द सभी को सभी तक पहुंच जाएंगे, जो हत्यारे उन तक पहुंच जाएंगे, ये कह सकते हैं, रटा रटाया जवाब जरूर माना जा सकता है। लेकिन इन बातों में जो हकीकत है वो तो तब सामने आएगी जब कोई पकड़ा जाएगा। अब देखना ये होगा क्योंकि 24 घंटे से ऊपर, जैसा बार बार कह रहे हैं, 24 घंटे से ऊपर बीत चुके, अभी तक तो कोई पकड़ा नहीं गया। अब देखना होगा कि आगे कब तक उन लोगों को पकड़ा जाता है। जो तीन लोग थे वो आखिर कहाँ निकल गए, क्योंकि 24 घंटे का वक्त बहुत होता है, प्रदेश छोड़कर जाना हो, कहीं भी जाना हो, कई बार भागना हो, उसके लिए देखना होगा कितना समय और चाहिए, और पूछताछ जो है पुलिस की जारी है। मुख्यमंत्री यही सवाल है कि 24 घंटे बीत गए लेकिन अभी तक आरोपियों तक पुलिस नहीं पहुंच पाई है। अब देखने वाली बात ये होगी कि कितना समय और पुलिस लगाती है अपनी इस नाकामी को कवर अप करने के लिए। शुक्रिया आपका शैलेश हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी हमें देने के लिए। इसी के साथ वक्त एक छोटे से ब्रेक का हो गया है, जल्द लौटेंगे।